तो कभी भी मुझसे बात कर सकते हो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें, उसके बाद नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दें। लाखों लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आप भी दीजिए। मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल जरूर बजा दें। और दोस्तों स्पॉन्सरशिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, ये कुछ मेरे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनको फॉलो कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पूछा है हमारे ये सब्सक्राइबर हर्षिता ठाकुर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर SBI इंटरनेट बैंकिंग से इंटरनेशनल फंड कैसे ट्रांसफर किया जाता है। और ये मैं बता दूं कि इंटरनेशनल फंड से ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो आज फाइनली मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। और बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से कैसे आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, जरूर देखें पूरा वीडियो। और मैं आपको हाथ जोड़ के पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपका बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दें। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताता हूँ इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के बारे में। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाके ऑनलाइन SBI ओपन करना है और इसको सर्च कीजिएगा तो ऑनलाइन SBI क्या इंटरनेट बैंकिंग जो है यहाँ से आप अकाउंट जो है ओपन भी कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। तो पहला ये जो आपका लिंक है इसको आपको ओपन करना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑनलाइन SBI का जो लिंक है इसको ओपन करना है, क्लिक करते हैं हम लोग तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। लॉगिन यहाँ करना है हम लोगों को, ठीक है। लॉगिन करते हैं यहाँ से, कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लॉगिन आईडी डालना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ से मैं। तो दोस्तों लॉगिन हो गया, यहाँ पर जो है ना आपको जैसे कि मैं आपको अभी मैं स्क्रीन शॉट निकाला हूँ इसका और मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपको पेमेंट और ट्रांसफर को क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ मोड है पेमेंट ट्रांसफर के अंदर, मोड ऑप्शन है, मोड ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आपको इंटरनेशनल बैंक इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले आपको जो है बेनिफिशियरी का अकाउंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जब अकाउंट ऐड कर लीजिएगा और अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे इंडिया के अंदर आप पेमेंट करो चाहे इंडिया के बाहर पेमेंट करो, सबसे पहले आपको अकाउंट ऐड करना जरूरी है। अगर नहीं करते हो तो आप पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अकाउंट ऐड करोगे फिर उसको अप्रूव करिएगा तभी आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम पहले ऐड करेंगे अकाउंट, तो यहाँ पर देखिए ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी को क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड आपको डालना है, मैं डाल देता हूँ हाइड करके। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, ठीक है, फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो आपको यहीं पर आपको क्लिक करना होगा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ के बाद आपको जो है यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन को क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सारा डिटेल दे के ऐड करना होगा। लिख रहा है ना अकाउंट नंबर IBN नंबर, तो आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, वही बैंक अकाउंट यहाँ डालना है, बेनिफिशियरी का नाम जिसको पैसा ट्रांसफर है उसका डिटेल डालना है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद उसका कंट्री नेम जो है और डालना है आपको, और UID टाइप मतलब कि आपका कौन सा ID है उसके पास वो डालना है, और उसका जो है नंबर डालना है ID, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ डालना होगा आपको, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है रेमिटर का, ठीक है। यहाँ पर रेमिटर का डिटेल डालना है और यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ उसका डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है इसको दोनों को, आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशन और सर्टिफाई दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसके बाद रजिस्टर करना है, ठीक है। तो मैं तो इसको भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आप समझ लीजिए इसको आपको करना होगा। इसको ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करने के बाद उस सब चीज डिटेल ऐड करने के बाद आपको रजिस्टर क्लिक करना होगा, और उसी समय जो आप अकाउंट ऐड कर दोगे तो यहाँ पर अप्रूव क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर अप्रूव क्लिक कीजिएगा तो जो अकाउंट ऐड करोगे वो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाएगा, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको अप्रूव करना होगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP कोड डाल के आप जो है उसको अप्रूव कर सकते हो। उसके बाद बैंक में लगभग 3-4 घंटा के बाद आपका अप्रूव हो जाएगा वो अकाउंट, उसके बाद आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कंट्री लिस्टेड है, ठीक है, आप इसने
इसी कंट्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो फंड, ठीक है। पैसा जो है आप यहीं पर, इससे बाहर की कंट्री में नहीं, जो जो कंट्री यहाँ पर लिस्टेड है वहीं कर सकते हो, और आपका जो है उतने कंट्री के ही आपका फंड ट्रांसफर होगा, उसके बाहर कोई दूसरे कंट्री है तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के अनुसार, जो भी इसका फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट ऐड कर लेना है, अप्रूव कर लेना है, उसके बाद आपका 4-5 घंटे के बाद अप्रूव हो जाएगा बैंक की तरफ से, तो उसके बाद आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर को क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करना है आपको इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर दोबारा, ठीक है। क्योंकि आपको जब अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आप उसको फंड ट्रांसफर कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना है। क्लिक करते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेसिडेंट इंडियन, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स जो है इससे रिलेटेड, सारा टर्म एंड कंडीशन जो है आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये सारा डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको ओनली 4 आप सिंगल क्वेश्चन पर कैलेंडर, एक मंथ में आप 4 बार ही भेज सकते हो, ठीक है। ये सब चीज आपको यहाँ पर देख लेना होगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे में यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड को यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है आपको ऑप्शन चूज करना है दूसरा वाला, रिकॉर्ड आर अपडेटेड मेक न्यू पेमेंट, यहाँ पर क्लिक करना है। जो कि मैंने पेमेंट कभी किया नहीं है इसलिए यहाँ पर डिटेल्स वगैरह शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सिखाने के लिए अब जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड आर अपडेटेड मेक न्यू पेमेंट, इसको क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका वो ऑप्शन दिखाई देगा जिसको आपने ऐड किया हुआ है। क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया है, लेकिन जब आप ऐड कर लोगे तो उनका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें आपको एक बॉक्स बना होगा, ऑप्शन बॉक्स को सेलेक्ट करके आप उसको डायरेक्ट पेमेंट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है इसलिए यहाँ पर लिख रहा है क्लिक हेयर टू ऐड न्यू बेनिफिशरी इंटरनेशनल बेनिफिशरी। तो अगर आप ऐड कर लोगे, ठीक है ना, ऐड कर लोगे अकाउंट उसका, फिर 4-5 घंटे के बाद अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप इस ऑप्शन में जाके, पेमेंट ट्रांसफर में जाके, इंटरनेशनल फंड में जाके यहाँ पर आना, और यहाँ पर उसका डिटेल आपको दिखाई देगा, डायरेक्टली आप उसको पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। जो जो कंट्री मैंने बताया है वही कंट्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो। इंटरनेशनल पेमेंट अभी सेंड करना नहीं था इसलिए मैं आपको तरीका बता दिया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको जो समझाया हूँ वो अब अच्छे से समझ गए होंगे। पहले अकाउंट ऐड करना है, उसके बाद उसको अप्रूव करना है, फिर बैंक उसको अप्रूव करेगा 4-5 घंटे के बाद, फिर उसके बाद आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपका भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ अपना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, कॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल दबा दें। ऑलरेडी लाखों लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, आप भी दीजिए। और दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा दें, स्पॉन्सरशिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनको फॉलो कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, वीडियो को नीचे डाल दीजिए। आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।